अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गुरु माँ ये शायद भूल गई कि मेरे पास नागमणि है और ये कितनी शक्तिशाली है। अपने गुस्से को काबू में रखना सीख नागिन, भूलना मत। एक झटके में तुम सबको खत्म कर सकती हो। तुझे तो मैं मारूंगी, जरूर मारूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा अपनी नागमणि की शक्तियों को महसूस तो कर लूं। घर जा रही हूं, घर पे मिलते हैं। रास्ता तो याद रहेगा ना पारो। चलिए गुरु। ये तो अनर्थ हो गया पारो। नागमणि मोहिनी के पास और संसार का विनाश होना तय है, सब खत्म हो जाएगा। मोहिनी नागमणि के जरिए नागलोक का द्वार खोल के सभी नागों को अपने वश में कर लेगी। हम जानते हैं नागमणि के साथ मोहिनी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अपने भोलेनाथ पे हमें पूर्ण विश्वास है। आज नाग पंचमी का दिन है और आज के दिन ये नागिन एक चुड़ैल से नहीं हार सकती। अगर अपने दुश्मन के वर्तमान को बदलना है तो उसके अतीत तक जाना बहुत जरूरी है। तुम कहना क्या चाहती हो पारो? खूनी दरवाजा, हमें खूनी दरवाजे के अंदर जाना होगा। नहीं पारो, कतई नहीं। हम उस खूनी दरवाजे के पीछे जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वो खूनी दरवाजा चुड़ैल डायन और बुरी शक्तियों का घर है। तुम वहां से लौट नहीं पाओगी। जीजी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। जीजी घर वाले तो बोल रहे थे कि आप घर छोड़ के चली गई हैं। गलत फहमी है उनकी रंभा। मैं कहाँ जा सकती हूँ उस घर को छोड़कर? उस घर में तो मेरी जान बसती है ना। जीजी, जीजी आपको आपको नागमणि मिल गई। जीजी क्या मैं इसे छू सकती हूँ? हाथ भी मत लगाना रंभा, ये मेरी है। हाँ 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 जीजी, नागमणि तो सिर्फ आपकी ही है। पर जीजी क्या ये नागमणि उतनी शक्तिशाली है जितना हमने सुना है? इतनी शक्तिशाली है रंभा कि मैं चाहूँ तो दिन को रात कर सकती हूँ। यहाँ तक कि इसमें इतनी ताकत है कि मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। देखना चाहती हो? हाँ। पता चला रंभा इसमें कितनी ताकत है, या और देखना है? सरगम बेटा क्या हुआ? उस दरवाजे की तरफ ऐसे क्या देखी जा रही हो? दादी रात हो गई है, बाबा और बुलबुल सुबह से बदर गए थे, सांप को दूध पिला रख लिया और अभी तक वापस नहीं आए। कहीं उन्हें सांप ने तो नहीं काट लिया होगा? तुम खामखा परेशान हो रही हो बेटा, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब मोहिनी कर रही है ना पुरुष, हमें उस मोहिनी को रोकने के लिए जाना होगा।
जाना होगा इससे पहले कि वो कुछ ऐसा करे जिसे रोकना मुश्किल हो जाए। नहीं पारो, अगर नाग पुरुष करे कि वो जगह चुड़ैल और पिशाची तो भरी हुई है तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। प्लीज मेरे लिए और बुलबुल के लिए रुक जाओ। सब हम तुम लोगों के लिए तो कर रहे हैं, तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए, सृष्टि के लिए। समझने की कोशिश करो दीप, ये सब केवल शुरुआत है। अब खूनी को रोकना नामुमकिन है। हमें उस खूनी दरवाजे के पीछे जाना ही होगा और खूनी को हराने के लिए कोई तोड़ ढूंढना होगा। जीजी, आप तो सच में सबसे शक्तिशाली हो गई हैं। अब तो आपसे टक्कर लेने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। पर जीजी, ये चांदना दो टुकड़ों में अच्छा नहीं लग रहा। जीजी, इसे फिर से एक कर दीजिए ना। आप ये रात भी इतनी काली काली लग रही है ना जीजी, मजा नहीं आ रहा। ठीक है। अपने ससुराल चलती हूँ। चलो। जीजी, ये आंखों ही आंखों में क्या इशारा कर रहे हो? जीजी कुछ तो बताओ, आप कहाँ जाने वाले हो? नागलोक के द्वार पे। हमें खूनी दरवाजे के उस पार जाना ही होगा। पारो, पारो एक बार फिर से सोच लो। बस थोड़ा इंतजार और फिर ये पूरा नागलोक मेरा। माँ, ये नागलोक का दरवाजा लाल क्यों हो रहा है? अरे, ये बहुत बड़े अनर्थ का संकेत है। ऐसा लगता है नागलोक पर कोई विपदा आने वाली है। चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मारो, अभी भी समय, रुक जाओ। इस कुदरत के इशारे को समझो। कायनात भी नहीं चाहती कि तुम दरवाजे के उस पार जाओ। वहां से लौटना असंभव है। हमें कुछ भी करके अपनी नागमणी वापस हासिल करनी होगी। अगर इस दरवाजे के पार जाकर यहाँ से वापस लौटने की हल्की सी भी उम्मीद है ना, तो उस उम्मीद के भरोसे हम दरवाजे के उस पार अवश्य जाएंगे। पारो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। देव, तुम्हें यहाँ रहना होगा, हमारे बच्चों के साथ, उनकी रक्षा के लिए। ये सब कुछ हमारे कारण हुआ है, तो
इसे ठीक भी हमें ही करना होगा। और वैसे भी तुम तो जानते हो ना, मोहिनी बुलबुल के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अगर हम दोनों दरवाजे के अंदर चले गए तो मोहिनी आसानी से हमारे बच्चों तक पहुंच जाएगी। ठीक है। और देख, बात यहाँ केवल हमारी और हमारे बच्चों की सुरक्षा की नहीं, सवाल पूरी सृष्टि की सुरक्षा की। हम मोहिनी को सबकी जिंदगियां बर्बाद करने नहीं दे सकते। हमें जाना ही होगा। जिद्दी है पारो, अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देख बेटा, हमारे ख्याल से यहाँ रुकने से अच्छा है आप घर जाइए। सरगम घर पर अकेली है और मोहिनी भी वहीं है। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।